डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रेंस, मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यू आर वेलकम हियर। लास्ट क्लास में मैंने पूंजी बजटिंग के बारे में बताने का कार्य किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी, वह पूंजी जो व्यवसाय के सामान्य कार्यों अथवा दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन पर लगाई जाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के सामान्य खर्चों जैसे मजदूरी, वेतन, उत्पादन एवं विक्रय, व्यय, छपाई, स्टेशनरी, किराया एवं कर आदि को चुकाने में काम आती है। कार्यशील पूंजी कही जाती है और इन तमाम बातों पर हम यह कह सकते हैं कि कार्यशील पूंजी दो शब्दों के आधार पर बनी है, एक कार्य, दूसरा पूंजी। कार्यशील से आशय व्यापार के दिन प्रतिदिन के संचालन में पूंजी का एक स्वरूप में संचालित करने से है, जबकि पूंजी शब्द से आशय वास्तविक संपत्तियों अथवा वास्तविक संपत्तियों के मौद्रिक मूल्य से होता है। इस तरह कार्यशील पूंजी से या कार्यशील पूंजी का आशय व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस भाग से है या होता है जो सामान्य संचालन एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। कार्यशील पूंजी को इस व्याख्या से सभी एक मत नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ अन्य चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों के अभिक्रय को कार्यशील पूंजी कहते हैं। जो कार्यशील पूंजी ही उपयुक्त समझता है, कार्यशील पूंजी का वास्तविक अर्थ कई प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। सामान्यतः कार्यशील पूंजी का आशय चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों के अधिक आधिपत्य से होता है। प्रोफेसर डब्ल्यू गर्सनबर्ग ने कहा है कि गुणात्मक अवधारणा के समर्थक हैं। इस अवधारणा के अनुसार चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों को समान राशि अगर है तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाती है। कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू संपत्तियों के योग से होता है। चालू संपत्तियों का योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी मानी जाती है और कार्यशील पूंजी की परिमाणात्मक अवधारणा पूंजी के परिमाण या मात्रा पर अधिक बल देती है तथा गुणात्मक पहलू पर यह विचार करती है। अतः हम यह कह सकते हैं
कि चालू संपत्तियों के नकद में परिवर्तन करने पर कोई हानि या लाभ नहीं होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी सभी चालू दायित्वों के भुगतान के पश्चात शेष रही या शेष बच गई चालू संपत्तियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं या कराते हैं। अर्थात चालू संपत्तियों के योग को सकल कार्यशील पूंजी तथा चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिक्वा की शुद्ध कार्यशील पूंजी ही माना जाता है। इसके कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, माने फीचर ऑफ वर्किंग कैपिटल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे कार्यशील पूंजी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। कार्यशील पूंजी अपना स्वरूप निरंतर बदलती रहती हैं। कार्यशील पूंजी के आसानी से नगदी में बदला जा सकता है एवं नगदी को किसी अन्य संपत्ति में भी फिर से परिवर्तित किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों एवं समयों पर बदलती रहती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कभी अस्थाई एवं कभी अस्थाई होती है, परंतु कुछ मात्रा में इसकी आवश्यकता सदैव रहती है। कार्यशील पूंजी का कई प्रकार का आवश्यकता होता है, जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए, विक्रय व्यवस्था एवं माल के उधार विक्रय वित्त पोषण के लिए, कार्य के अन्य छोटे मोटे व्ययों के पूर्ति के लिए, और एक कार्यरत संस्था के रूप में कंपनी को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये इनके महत्व को दर्शाती हैं कार्यशील पूंजी के। कार्यशील पूंजी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसे अवधारणाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा आवश्यकताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटीज। तो आज ये जो कार्यशील पूंजी के जो बातें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि कार्यशील पूंजी है क्या, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके महत्व क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं, ये हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे और पढ़ने का काम करेंगे। आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।